कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। विदिशा जिले में बुधवार को राजस्व जनपद और पुलिस विभाग के अधिकारी शिवरामपुर पड़रिया स्थित जफर कुरैशी के निर्माणाधीन वेयर हाउस पर पहुंचे, जहां बिना अनुमति के वेयर हाउस बनाए जाने पर जनपद सीईओ अरविंद शर्मा ने वेयर हाउस को तोड़ने के आदेश दिए, जिस पर 3 घंटे चले 6 बुलडोजर और 1 हेवी JCB ने वेयर हाउस को जमींदोज कर दिया। वहीं कार्रवाई में सबसे पहले बुलडोजर ने वेयर हाउस के चारों तरफ की दीवारों को गिराया, जिसके बाद जेसीबी ने वेयर हाउस के चारों तरफ खम्भे को गिराकर छत को धराशायी कर दिया। बताया जा रहा है वेयर हाउस बिना शासन की अनुमति के बनाया जा रहा था। शहर में कुछ दिनों से प्रशासन कुरैशी और उनके रिश्तेदारों के अवैध धंधों की छानबीन में लगा हुआ है। बता दें कि हाल ही में कुरैशी के रिश्तेदार की गिट्टी ग्लेशियर पर अवैध माइनिंग के कारण सील कर दिया गया है। वहीं अन्य रिश्तेदार की धर्मकांटा स्थित पार्क सिटी कॉलोनी में भी अतिक्रमण करके अवैध प्लांटिंग करने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। निर्माणाधीन वेयर हाउस पर हुई इस कार्रवाई से लगभग 30 से 40 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। जफर कुरैशी के रसूख के चलते इतने दिनों से प्रशासन के अधिकारी मुख दर्शक बने हुए थे, लेकिन अब कलेक्टर के आदेश पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार कमल मंडेलिया, DSP ब्रजेंद्र भार्गव सहित भारी संख्या में मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।